उत्तर प्रदेश के उन्नाव में व्यापारी से लेन देन के मामले को लेकर 3 जून की देर रात किसान को जमकर मारा पीटा गया था, जिसके बाद किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। यूके लिप्टिस 10,000 के बिके थे, व्यापारी मुसलमान थाना बाजार के उसने खरीदा था। उसने 8,000 रुपया दे के चला गया। हमने कहा इतने के नहीं देंगे, लौट के आए कल जबरदस्ती हम पेड़ काटेंगे, पैसा वापस कर दिया हमने। इसके बाद उसने फ़ोन से 25 आदमियों को बुलाकर यहाँ से यहाँ सहज के हमको फोर व्हीलर में छोड़ा, बहुरिया कंचे ले जाते रहे, मोटर यही डाल लो यहाँ। एक बाद जो है जब लड़का यहाँ से गया है तो उसके पर लाठी जब चली है, इसके बाद वो यहीं गिरा, बोला नहीं बिल्कुल, बोलना आज खत्म हुई हो। अच्छा, आपकी मौत हुई इलाज के दौरान, रात 11 बजे हुई। अचाल में कुछ नहीं लिया, आज तक पुलिस देखने नहीं आई यहाँ, आज तक पुलिस देखने कब आई पुलिस, कब आई सूचना, जब मिली उसको सूचना। अब हमारी क्या की साहब, यहाँ जो झगड़ा हुआ जितने 43 लोग थे उनको लाद के जो है तो अस्पताल भेजा गया। वो जो गाड़ियाँ जो ईंटा पत्थरों से टूटी थी वो गाड़ियाँ खींच ले गए, इसके बाद चले गए यहाँ पहुँच गए। अच्छा, दिया है प्रशासन, दिया है कि जो भी लाभ मिलेगा हम दिलाएंगे, आवास दिलाएंगे और उनको रहने के लिए आवास और खेती के लिए कहा जो हो सकेगा हम खेती भी इनके नाम पट्टा कराएंगे। है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मान लो आदेश दिए करेंगे। हाँ। किस गांव में रहती हो? गरौर के। अच्छा, हुआ था वही 10,000 बेचे के ना, तो 8,000 भरी का चले गए, कल गिनो बन बैठ लेन गाड़ी लग गए, जब गिने तब 8,000 करे, तो बाकी ने पर पैसा भाई ले लेवे थे कि हमना बेचबे वापस फिर आ गए, वापस फिर आ गए, अब फिर पैसा आ तक पैसा दिन गए, अब पैसा ले लेन हम तब गरी खान बढ़िया वाला पीट पे आ गए। हाँ, मार पीट आदमी बुला लिए, बहुरिया को बहु कहीं चले जाए, अब बहु हम कहा भैया हमारा बुरी दुखाई जाए भैया हमारे तो गई। हाँ, तभी वही लड़का हमारा फिर दौड़ा कि जब तक उसको ले जा रहे तब दौड़ा, तब ये भी नहीं जहाँ से मार दिया यहीं पे उन्होंने लोग करीब 25 आदमी से कम नहीं गिने नहीं मिले को कुत्ते कहा है। 9:30 के अखंड था की गई है, कुछ भी नहीं अभी कुछ भी नहीं की गई है, अभी जो होगा तो अभी पुलिस कुछ नहीं मदद हुई पहले कुछ पता करेंगे पैसा हो चुके।